नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनएसएस की शिवम और चेतना इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। इसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सुमन कन्नौजिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एनएसएस द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई है, जिससे नारी सशक्तिकरण को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि नारी तो जन्म से ही शक्तिशाली है, यदि किसी को शक्तिशाली बनाना है तो वो समाज की मानसिकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सुमन कन्नौजिया और शिक्षा शास्त्र विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर ममता चौधरी ने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे एनएसएस द्वारा शिवम इकाई एवं चेतना इकाई के द्वारा एनएसएस की रैली निकाली जा रही है, जिसपे जो हमारा कार्यक्रम है वो नारी सशक्तिकरण पे आधारित है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के माध्यम से? नारी सशक्तिकरण पे हम यही संदेश देना चाहेंगे कि नारी तो जन्म से ही सशक्त है, सशक्त होना है तो समाज में लोगों की मानसिकता को सशक्त होना चाहिए। डॉक्टर सुमन कन्नौजिया, वाणिज्य विभाग। हमारा यही संदेश है कि आज हमारे पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो हम यही कहना चाहते हैं, हम अपने समाज में और राष्ट्र का विकास तब कर सकते हैं जब हम पूरी महिलाएं हमारे देश की शिक्षित हों, और शिक्षा के ही बल पर हम सशक्त तो हैं लेकिन हमारे समाज के जो भी व्यक्ति हैं उनके मानसिकता के जो सोच हैं उनका महिलाओं के प्रति, उसको चेंज करके महिलाओं को एक सम्मान दर्जा देना चाहिए। बस हमारा यही एक संदेश। डॉक्टर ममता चौधरी, शिक्षा शास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में भगवान से शिव का रुद्राभिषेक किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर विधि विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने शिवलिंग पर दूध, लावा, बेलपत्र, बेर, भांग, धतूरा, फल, फूल चढ़ाया और भगवान शिव से प्रदेश के सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ताल कंदड़ा में एनसीसी ट्रेनिंग गोरखपुर अकादमी का शनिवार को शिलान्यास किया जाएगा। इसके संबंध में एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल विक्रम कुमार ने बताया कि हमारा एनसीसी यूपी निदेशालय भारत का सबसे बड़ा निदेशालय है और गोरखपुर नेपाल बॉर्डर एरिया को कवर करता है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ताल कंदड़ा में एनसीसी ट्रेनिंग अकादमी का शिलान्यास किया जाएगा। इस ट्रेनिंग अकादमी के बनने से कैडेट्स की ट्रेनिंग और सुचारू रूप से हो पाएगी। इसी के उदाहरण के तौर पर बाकी 10 ग्रुपों के लिए भी ट्रेनिंग अकादमी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका शुभारंभ पूर्वांचल से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीसी में सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी महत्वपूर्ण है, तभी इसका फायदा मिलेगा। इस ट्रेनिंग सेंटर के बनने से पूर्वांचल के युवाओं की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आसानी से हो जाएगी, इसलिए मेरा मानना है कि ये ट्रेनिंग सेंटर एक वरदान के रूप में सफल होगा। इससे युवा पीढ़ी और आकर्षित होगी। हमारा प्रयास है कि देश के युवा को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सक्षम बनाना, जो देश का युवा देश हित में कार्य कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल विक्रम कुमार ने कहा, गोरखपुर में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा यूपी एनसीसी निदेशालय जो है
पूरे भारत भारत का सबसे बड़ा निदेशालय है और गोरखपुर हमारा बहुत एक अहम बॉर्डर एरिया को देखता हुआ एनसीसी ग्रुप है। तो यहाँ पे कल माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास करना है। ये पूरे यूपी में सर्वप्रथम एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी जो यहाँ पे एस्टैब्लिश होनी है और इस ट्रेनिंग एकेडमी के बनने से जो कैडेट्स की ट्रेनिंग है वो और सुचारू रूप से हो पाएगी। और इसी का उदाहरण लेते हुए हमारे बाकी के 10 ग्रुप में भी ऐसी ही ट्रेनिंग एकेडमीज बनाने का वो प्लान है। तो उसकी शुरुआत शुभारंभ यहाँ पूर्वांचल से होना है तो उसी के लिए हम यहाँ हैं। सर कितना लाभ होगा पूर्वांचल पे? देखिए जस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनसीसी की ट्रेनिंग में है वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। पढ़ाई क्लासरूम में बैठ के कक्षा में बैठ के जितनी भी पढ़ाई हो जाए जब तक ऑन ग्राउंड जाके ट्रेनिंग नहीं होती तो उस ट्रेनिंग का पूरा पूरा फ़ायदा नहीं होता। इस एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी के बनने से जो पूर्वांचल के तमाम जो युवा पीढ़ी है उनको उनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो बहुत सुचारू रूप से हो पाएगी और तमाम जो बटालियन ग्रुप हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं वो एक जगह पर रह के ट्रेनिंग को बहुत बढ़िया तरीके से इसको मॉनिटर कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि ये एक वरदान के तौर पे है जो पूर्वांचल के यूथ को मिला है और हमारी उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग एकेडमी में होने वाली कार्रवाई को देखते हुए और ज़्यादा युवा पीढ़ी आकर्षित होगी एनसीसी की तरफ। और जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीसी का मूल मकसद है युवा पीढ़ी को सक्षम बनाना अपने पैरों पर खड़े होने के लिए और देश के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें इस काम में एक मील का पत्थर साबित होगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुक्तेश्वर नाथ शिव मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल चढ़ाया। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ही मंदिर परिसर में जल चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग गई थी। पुलिस प्रशासन व सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों के द्वारा बारी बारी से लाइन को आगे बढ़ा रहे थे। लगभग 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाया। मंदिर में हर हर महादेव का नाम गूंजता नजर आया। वहीं श्रद्धालुओं ने घंटा घड़ियालों और शंख के गूंज के साथ भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाने के बाद विधि विधान से पूजन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पंडित रमानंद और श्रद्धालुओं ने कहा, घाट में लेखो शिव जी की पूजा होती है। आज महाशिवरात्रि है, शिव का विवाह होता है, रात को 4 बार आरती होती है, पूजा होती है, भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। शिवरात्रि का दिन है, आज यहाँ पर कई लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है। 2 बजे रात से ही जल चलाना शुरू हो गया, जलाभिषेक चालू है, शासन प्रशासन की व्यवस्था सब ठीक ठाक है। यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। कितनी संख्या में लोग आते होंगे? लाखों की संख्या में लोग भीड़ कितने निकल गए होंगे, लाखों की। सुबह से शाम तक रात में भी 24 घंटे पूजा करना चालू रहता है यहाँ पे। आज आज का जो साल भर किसी दिन नहीं जल चढ़ाते हो, आज अगर जल चढ़ा लेते हो तो साल भर का पुण्य प्राप्त हो जाता है उसको। रमानंद महंत मुक्तेश्वरनाथ मंदिर महादेव, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। यहाँ आने के बाद मन को शांति मिलती है, भगवान सबकी इच्छाएं पूर्ति करें। हाँ जी, मैं हर साल आती हूँ, मेरे हस्बैंड पर डे आते हैं। भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और सबसे बड़ी चीज़ मेरे बच्चे को ठीक करें। बहुत मानता है और भगवान जी का पार्वती जी का शादी हुआ था, इस शुभ अवसर पे हम लोग जल चढ़ाने आते, पूजा करने आते हैं। भगवान सबकी सही सलामत बनाए रखी, जोड़ी बनाए रखी, यही भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं। मीना, आज भोले भंडारी का, आज पूरे ब्रह्मांड का रचना हुआ है और ये जो मंदिर है प्राचीन मंदिर 400 वर्ष पुराना है और आज शिवरात्रि भोलेनाथ का दिन है। आज जल भगवान भोलेनाथ तो केवल जल से प्रसन्न हो जाते हैं, दूध दही और मिश्री और शहद से अगर अभिषेक किया जाए बात ही क्या है।
आज जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को बहुत आनंद की प्राप्ति हुआ, जो मैं उसका बयान नहीं कर सकता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्रिभुवन कुमार वर्मा और केला चढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के मजीठिया भवन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय की फिजिक्स को असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अपरा त्रिपाठी ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नई पीढ़ी है उनके अंदर इस भावना को जागरूक करना है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं उनके मन में आता है कि हम पढ़कर क्या करेंगे, यदि नौकरी नहीं मिलती है तो हम हाउसवाइफ बनकर रह जाएंगे। तो उन सभी के अंदर ये भावना पैदा करना है कि पढ़ाई नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग के भी काम आएगी, जो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी जागरूक करेगी। With these beautiful words described in Vedas signifying the importance of women in our society, I, Ananya, student of MSc final year, welcomes all our esteemed guests, respected teachers, my dear friends. संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की फिजिक्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अपरा त्रिपाठी ने कहा, ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें इस भावना को जागृत करना है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। कई बार हमारे जो लड़कियां हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में ये आ जाता है कि हम पढ़ के करेंगे क्या, फाइनली हमें नौकरी नहीं मिलती है तो हम तो हाउसवाइफ बनकर रह जाएंगे। तो उनमें ये भावना पैदा करना कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है बल्कि उनकी पढ़ाई इस नेशन बिल्डिंग के काम भी आएगी, जो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र करेंगी। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, उनको जागरूक करना है। मैं डॉक्टर अपरा त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिजिक्स डिपार्टमेंट।